हे hey गाइस कैसे आप लोग मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फेंटासी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहाँ पर मलेशियन टी टेन बैश स्टार्ट होने वाला है तो दो टीमें आपस में भिड़ेंगी सेंट्रल स्मैशर्स वर्सेस वेस्टर्न वॉरियर्स तो इसका जो स्क्वाड है ड्रीम इलेवन में जो स्क्वाड शो हो रहा है तो उसके लगभग हर एक प्लेयर का यहाँ पर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वगैरह आपके सामने सो so, जो भी इनका जो क्लब है उससे इन्होंने जो मैचेस खेल रखे हैं उसमें क्या इनकी परफॉर्मेंस है कौन सा प्लेयर है जो ओपन करता है कौन सा प्लेयर सेकेंड डाउन थर्ड डाउन बैट करता है तो उसकी भी एक आपको हिंट यहाँ पर मिल जाने वाली है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सारे ए प्लस के रिकॉर्ड्स इसमें आप चाहें तो बाद में इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल स्मैशर्स की तो सेंट्रल स्मैशर्स का जो स्क्वाड है उसमें सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में दो प्लेयर मैंशन है अमर जूदी और वैन अमिर दोनों ही प्लस की अगर बात करें तो इनका परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैचेस प्लेड लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेयर के नाम के बाजू में मैचेस प्लेड स्लैश करके मैंने बैटिंग इनिंग्स और स्लैश करके बॉलिंग इनिंग्स लिख रखी है यानी कि तिरपन मैचेस में आप देख

बैटिंग एवरेज और हाई स्कोर इनका 81 वन कर रहा है हाई स्कोर काफी अच्छा है वैन एमरुल का अमर जूही के मुकाबले बट अगर आप एवरेज देखें तो अमर जोहदी का ज्यादा बेटर है यानी कि वैन अमेरूल एक पावर हिटर है कभी कभी इनकी बैटिंग आएगी ज्यादातर बैटिंग भी नहीं आई है छियालीस मैच में अट्ठाइस मैच में बैटिंग करी है हालांकि जूदी ने भी काफी कम बैटिंग करी है बट फिर भी अगर आप पावर हिटर देखें तो वैन एमरुल थोड़ा से बेटर ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं और अमर जूदी यहाँ पर एक एवरेज ऑप्शन है जो आपको हमेशा कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं इसके बाद अनवर अरुद्दीन है जो कि नेशनल प्लेयर भी हैं ये ओपन करेंगे टीम के लिए सैंतालीस इनिंग में 40 बार बैटिंग कर चुके हैं 935 रन लगाए हैं क्लब क्रिकेट में 25 का इनका बैटिंग एवरेज है 110 इनका हाई स्कोर है टी फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा स्कोर है और आप इनको ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा बिकॉज बहुत कम मैचेस में क्लब क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेले हैं नेशनल टीम के लिए भी काफ़ी बैटर खेले हैं सो इनको आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहिए और आपकी हेड टू हेड की टीम में यानी कि स्माल लीग की टीम में ये होनी तो चाहिए बाकी आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से देखिए इनको बनाना चाहते हैं या नहीं बना चाहते बट टीम में तो आपको इनको पिक करना पड़ेगा इसके बाद अहमद फैज नंबर तीन पे एक्सपेक्टेड है बैटिंग करने के लिए 59 मैचेस में 50 इनिंग खेल रखी हैं बैटिंग में 1096 रन लगभग 1000 रन और 12 इनिंग जो इनकी है स्लैश में यहाँ पर अधिक हो पचास बार बैटिंग और 12 बार बॉलिंग कर रखी है उसमें 8 विकेट भी निकाल रखे हैं तेईस इनका एवरेज है बैटिंग एवरेज और अड़सठ इनका हाईएस्ट स्कोर है फिफ्टी मैचेस में सो तो एवरेज परफॉर्मेंस है क्लब क्रिकेट में अनवर अरुद्दीन थोड़ा सा थो बैटर खेले क्लब क्रिकेट तो इनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे अच्छा होगा टीम के लिए ओपन करेंगे अरुद्दीन और फेज नंबर तीन पर बैटिंग करनी चाहिए इसके बाद नॉर्वेरा जाजमी है जिनके कोई स्टैट्स मुझे नहीं मिले इसके बाद अब्दुल्ला शाहिद हैं जिन्होंने पाँच में पाँच मैचेस में पांच बार बैटिंग करके एक रन लगाए हैं और पच्चीस का इनका एवरेज बैट रहा है और चवालीस इनका हाइस है तो पाँच मैच में चवालीस एक काफी अच्छा स्कोर है सो इनको आप देख सकते हो ग्रैंड लीग वगैरह में अपनी टीम में रख सकते हो जनी दू हिमसारा की बात करें तो चार मैच खेले हैं जिसमें चार बार बैटिंग और दो बार बॉलिंग करी है Uh, तेरह रन इनके चार मैच में बैटिंग करके और दो मैच में बॉलिंग करके एक विकेट है तो एक ऑर्डिनरी प्लेयर है चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो इसके बाद आमिर खान आते हैं जो नंबर चार पाँच पे आपको बैटिंग करते देख सकते हैं पैंतीस मैचेस में बीस बार बैटिंग करी है बाईस बार बॉलिंग करी है पाँच सौ चौहत्तर यहाँ पर इनके रनस हैं और थर्टी नाइन इनके विकेट है तो बाईस मैच में बाईस बार बॉलिंग करके थर्टी नाइन विकेट काफी अच्छे विकेट्स हैं और आप इनको एज एन ऑलराउंडर ट्रीट कर सकते हो एज ए कैप्टन आप इनको रख सकते हो अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे बिकॉज इनका जो एवरेज है बैटिंग एवरेज वो भी 28 के आसपास का इकहत्तर का इनका हाईस्ट स्कोर है और विकेट्स भी काफी ले रखे हैं तो आमिर खान आपके ले, आपके लिए काफी अच्छे कैप्टन हो सकते हैं मोहसन इदरिस की बात करें तो सिर्फ नौ मैचेस के लिए क्लब क्रिकेट क्रिक में नौ ही बार बैटिंग करने आए हैं तीन रन है एवरेज बैटिंग एवरेज इनका काफी ज्यादा बैटर है आमिर खान से भी बैटर इनका बैटिंग एवरेज है मोहन इद्रिस जो नंबर चार पांच पे ही खेल सकते हैं आमिर खान और मोहन इद्रिस लगभग चार पांच पे किसी को भी भेज सकते हैं यानी कि मेरे हिसाब से मोहन इद्रिस थोड़ा सा पहले बैटिंग करने आने चाहिए मोहसन अड़तीस का इनका बैटिंग एवरेज सत्तर का इनका हाई स्कोर है सिर्फ नौ मैच में सत्तर हाईस्ट स्कोर है और यहाँ पे आप आमिर खान का देखें तो पैंतीस मैच में एक हाई स्कोर है तो मेरे हिसाब से मोहन ज्यादा बेटर बैट्समैन रहेंगे इसे एक बार इन्होंने बॉलिंग करी है जिसमें इन्होंने दो विकेट निकाले बस ये इनका डिसएडवांटेज है कि आमिर खान एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और वहीं बात करें मोहिने इधरिस की तो एक बैटिंग ऑलराउंडर है रनली बॉलिंग करते हैं तो आप इधरिस को एज अ बैट्समैन ही देखें और आमिर खान को आप एज एन बैटिंग ऑलराउंडर देखें बॉलिंग भी काफी जबरदस्त कर रखी है और बैटिंग रिकॉर्ड भी काफी अच्छे है तो मेरे लिए तो काफी अच्छे कैप्टन हो सकते हैं इसके बाद सोहरिल फित्री हैं सुहरिल फित्री की बात करें तो 25 मैच में 14 बार बैटिंग 14 बार बॉलिंग करी है जिसमें 208 सौ आठ रन और सात विकेट निकाल लगभग हर दो मैच में एक विकेट इनको मिल रही है कोई खास बॉलर नहीं है तेईस का बैटिंग एवरेज है अड़ताली अर्ता, अड़तालीस का हाइस्ट स्कोर है इनका बाद बात करते हैं शंकर सतीश की जो कि टीम के लिए ओपन कर सकते हैं इस मैच में अट्ठाईस मैच में बीस बार बैटिंग बीस बार बॉलिंग कर रखी है फोर इनका सॉरी टोटल रनस है 451 फिफ्टी वन बीस मैचेज में बीस इन्होंने टोटल विकेट निकाले बीस मैचज़ में और पच्चीस का इनका बैटिंग एवरेज है फिफ्टी सेवन का इनका हाई स्कोर है टी ट्वेंटी फॉर्मेट में तो एक अच्छे ऑप्शन है टीम के लिए अगर ओपन करते हैं तो आपकी टीम में तो होनी चाहिए बाकी आप देख लीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन से आप बनाना चाहते तो ठीक है ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा अब बात करते हैं इनके बोलर्स की यानी कि सेंट्रल स्मैशर्स के जो मेन बोलर हैं जिसमें पवनदीप सिंह आते हैं जो कि क्लब क्रिकेट के अलावा नेशनल टीम के भी काफी अच्छे प्लेयर हैं आपने कई बार इनको टीम में पिक करा होगा कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया होगा लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेज मुझे अगर याद है तो लगभग हर एक मैच में चार ओवर करके दो विकेट एक मेड इन ओवर ये इनका परफॉर्मेंस रहता था काफी अच्छे बोलर है शार्प बोलर है और नेशनल टीम की अगर हम बात करें तो रिसेंट मैचेस इनके सबसे अच्छे हैं एज ए बोलर अगर आप देखें तो पवनदीप सिंह का अगर आप देखें क्लब क्रिकेट में तो साठ मैचेज में सत्त फिफ्टी सेवन बार बॉलिंग करी है बा, बासठ विकेट निकाले हैं ऑर्डनरी और, विकेट लग रहे हैं बट अगर आप देखें इनके विकेट्स नेशनल टीम के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है तो पवनदीप सिंह जो है वो आपकी टीम में ऑफकोर्स होने ही चाहिए सबसे बेस्ट बॉलर है इस टीम में भी और नेशनल टीम में भी काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रिसेंटली चल रहा है तो इनको आपको टीम में पिक करना है कैप्टन वाइस कैप्टन आप देख लीजिए ग्रैंड लीग में तो आपको कैप्टन बनाना ही पड़ेगा इनको और टीम में तो आपको पिक करना ही पड़ेगा इसके बाद आते हैं ये लेफ्ट आर्म ऑफिस में बोल रहे हैं यहाँ पर मैंने सारे बोलर्स का यहाँ पर नेचर uh, भी बता दिया है यानी कौन सा बोलर फास्ट बोलर है कौन सा uh, स्पिन बोलर है सब सब यहीं पर लिखा हुआ है सो आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा uh, वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसके बाद अजीब खान है अजीब खान की बात करें तो अट्ठाईस uh, मैचेस हैं इनके अट्ठाईस मैचेस में ग्यारह बार इन्होंने बैटिंग कर रखी है चौदह बार बॉलिंग करी है और ग्यारह बार बैटिंग करके अट्ठासी रन है लगभग आठ के आसपास के इनका एवरेज निकलेगा बैटिंग का एज अ बैट्समैन तो नहीं है बॉलर ही है चौदह मैच में सत्रह विकेट निकाले जो कि ठीक ठाक है और आप इनको टीम में चाहो तो पिक कर सकते हो अजीब खान को इसके बाद अकबर अली जिनके मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिले कहीं अवेलेबल इनके स्टैट्स नहीं है रिजवान हैदर की बात करें तो इन्होंने तेरह मैचेस में दस बार बॉलिंग करी है ग्यारह विकेट निकाले हैं ऑर्डिनरी बॉलर आप इनको बोल सकते हो इसके बाद सुमंत कादिर की बात करें तो दस मैचेस में सात बार बैटिंग सात बार बॉलिंग है और सात विकेट इन्होंने निकाले 97 सेवन रन कुछ बना रखे हैं सो so, यहाँ पर देखिए बॉलिंग में तो ज़्यादा कोई खास बोलर इनके पास है नहीं पवनदीप सिंह को अगर आप छोड़ दें और अजीब खान को छोड़ दें तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोल्ड में भी कर रखा है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो एक बार आप देख लीजिए आप इनका चाहे तो स्क्रीन भी ले सकते हैं हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी सब कुछ डाल दूंगा लास्ट में सो so, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा यहाँ पर देख सकते हो अपने कुछ बोल्ड प्लेयर्स प्लेयर्स को कुछ बोल्ड में कर रखा है यानी कि ये प्लेयर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टीम बनाए तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर इन पे नजर रखनी पड़ेगी अब बात करते हैं वेस्टर्न वॉरियर्स की तो वॉरियर्स की टीम से यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको एम एच हरिसन मिलेंगे जो कि काफ़ी नीचे बैट करने आते हैं छः सात के आसपास बैटिंग करते हुए आपको देख सकते हैं तैंतीस मैचेस में उन्नीस बार ही बैटिंग करी है इन्होंने लगभग अगर देखें तो सिक्सटी परसेंट मैचेस फिफ्टी मैचेस में ही बैटिंग करते हैं तीन रन है काफी अच्छे खेलते हैं उन्नीस का बैटिंग एवरेज है, है चौवन रन का हाईस्ट स्कोर है ठीक ठाक बैट्समैन है एज अ विकेट कीपर ही आप इनको देखें शफीक शरीफ की बात करें तो प्रॉपर बैट्समैन है और टीम के लिए ओपन भी कर सकते हैं सैंतालीस मैचेस में चालीस मैचेस में बैटिंग कर रखी है 853 फिफ्टी रन है बाईस का बैटिंग एवरेज है 58 का का है नेशनल प्लेयर है ये क्लब क्रिकेट का रिकॉर्ड उतना अच्छा इनका नहीं है बट नेशनल टीम के लिए काफ़ी अच्छा खेलते हैं तो शफीक शरीफ को आपको टीम में जरूर पिक करना है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे और एज एन विकेट कीपर भी खेलेंगे तो उसके भी आपको पॉइंट दे सकते हैं ए और रहमान की बात कर तो तीन मैच में इन्होंने दो बार बैटिंग करी है चार रन है कोई खास प्लेयर नहीं है और ज्यादा इनके स्टेट्स भी अवेलेबल नहीं है डानियल हफीज़ की बात करें तो नंबर तीन पे आपको शायद बैटिंग करते हुए देख सकते हैं चार मैचेस खेले हैं चारों बार बैटिंग करके 160 तो सौ रन बनाए हैं चालीस इनका बैटिंग एवरेज निकलता है और 67 सेवन इनका हाई स्कोर है तो डानल हफ़ीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे पावर रिटर है यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ चार मैचेज में इनका हाई स्कोर सिक्सटी का है और बैटिंग एवरेज भी काफी ज़बरदस्त है चालीस का तो मेरे हिसाब से आपकी टीम में होने चाहिए परसेंटेज अगर आप देखें तो डानल हफीज़ से ज़्यादा रोहित व्यास का है लगभग व्यास का देखें सत्तर का Uh, इनका सिलेक्शन परसेंटेज रहेगा ड्रीम इलेवन में और डानल हफीज़ का अगर हम बात करें तो ड्रीम इलेवन में लगभग बारह परसेंट के आसपास लोगों ने पिक कर रखा है हालांकि हफीज़ का अगर आप देखें तो बैटिंग एवरेज भी रोहित व्यास से ज़्यादा बेटर है और हाईस्ट स्कोर भी इनका ज़्यादा अच्छा है सिर्फ चार मैचेज में तो डानल हफीज़ मेरे हिसाब से पहले पे करेंगे आप चाहो तो रोहित व्यास को भी ले सकते हो ये भी लगभग आसपास ही बैटिंग करने आएंगे नंबर तीन चार पे डानल हफीज़ आ सकते हैं नंबर चार या पाँच पे रोहित व्यास आ सकते हैं और दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है पूरी टीम में इनके बैटिंग एवरेज और हाईस्ट स्कोर भी काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही प्लेयर्स के डैनल हफीज़ और रोहित व्यास इसके बाद आरिफ यूसुफ आते जो कि काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ सकते हैं मेरे हिसाब से नंबर चार पे व्यास नंबर पाँच पे आरिफ यूसुफ आने चाहिए यूसुफ की बात करें तो थर्टी नाइन यहाँ पर इन्होंने मैचेस खेले हैं पच्चीस बार बैटिंग करने आए हैं पैंतीस बार बॉलिंग करी है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है चार रन लगा रखे हैं और थर्टी नाइन विकेट्स हैं पैंतीस मैचेज में तो काफ़ी अच्छे बॉलर भी हैं और बैटिंग में भी देखें तो अठारह के आसपास का बैटिंग एवरेज ठीक ठाक बैट्समैन है कोई खास बैट्समैन नहीं है बट फिर भी बॉलिंग का एडवांटेज रहेगा अगर खेलते हैं तो बैटिंग सेक्शन में दिए हुए आप इनको टीम में पे कर सकते हो इसके बाद फैज नाजिर हैं जो नंबर तीन पे शायद खेल सकते हैं मैं uh, आपको सारे प्लेयर्स तो नहीं खेलेंगे स्क्वाड है यहाँ पर जो भी प्लेयर खेले आप उसके बाद समझ लीजिएगा इनका बैटिंग ऑर्डर जो भी है और मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूंगा लास्ट जब मैं टेलीग्राम पे फाइनल बेट दूंगा 40 मैचेस uh, फैज़ नासर ने खेले हैं 811 सौ ग्यारह रन के रन है और अड़तीस विकेट इन्होंने टीम के लिए निकाल रखे ऑर्डिनरी प्लेयर हैं बैटिंग थोड़ा सा बैटिंग में बैटर करते हैं इसके बाद बात करें असलम खान की तो अंडर नाइनटीन के प्लेयर हैं ओपन करते हैं टीम के लिए चौंतीस मैच में सात रन है ठीक ठाक प्लेयर हैं और इसके अलावा देखें तो छः विकेट भी निकाल रखे हैं एज एन बैट्समैन ही आप इनको ट्रीट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके बाद ए अमीन प्रेम जी हैं ज़्यादा इनकी कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिले 2016 के इनके रिकॉर्ड मिले हैं छः मैचेस खेले हैं छह बार बैटिंग छह बार बॉलिंग करी है सैंतालीस रन हैं छः विकेट हैं और इसके अलावा सात का बैटिंग एवरेज उनतीस का हाईस्ट स्कोर है हालांकि सब लोगों ने इनको कैप्टन बना रखा है ड्रीम इलेवन में क्रेडिट इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है हालांकि परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कोई ख़ास इनका परफॉर्मेंस 2016 तक नहीं है और मुझे बाकी कोई मैच याद नहीं है रिसेंटली इनका कोई शायद मैच हुआ हो हालांकि नाम मेरे को सोना हुआ लग रहा है अब देखता हूँ बाद में अगर मुझे कोई रिकॉर्ड मिलता है तो आपसे शेयर कर दूंगा इसका शर्देन मोनेडी है जो कि नेशनल टीम के प्लेयर हैं क्लब क्रिकेट में देखें तो इकसठ मैचेस इन्होंने खेले हैं इकतालीस में बैटिंग करी है सैंतालीस में इन्होंने आ, बॉलिंग करी है आ, एक चीज और आपको बता दूं नेशनल टीम के लिए काफी नीचे बैट करने आते थे नंबर छह सात के आसपास हालांकि एक्सपेक्ट करते इस मैच में ज्यादा बेटर पोजीशन में इनको बैटिंग करने मिले क्योंकि नेशनल प्लेयर है एक्सपीरियंस काफी अच्छा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर इनको बैटिंग करने भेज सकते हैं छह रन है बावन विकेट है लगभग चालीस मैच के आसपास इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग कर रखी है उन्नीस का बैटिंग एवरेज उनचास हाईस्ट है र राजेंद्रन की बात करें तो पंद्रह मैच खेल के पांच में बैटिंग करने आए हैं बारह में बॉलिंग करी है और चौतीस रन है टोटल ग्यारह विकेट निकाले हैं सात इनका बैटिंग एवरेज तेरह इनका हाई स्कोर है ऑर्डिनरी प्लेयर है जरिन राज की बात करें तो सिर्फ दो मैच खेले हैं दोनों ही मैच में बैटिंग बॉलिंग कर रखी है और इसके अलावा थर्टी नाइन रन इन्होंने लगा रखे दो मैचेस में जिसमें से एक पे ये शून्य पे आउट हो गए थे और एक में थर्टी नाइन इनका स्कोर रहा है तो काफी अच्छी पावर रेटर है टीम इनको ट्राई कर सकती है दो मैच में पांच विकेट भी निकाले तो अगर ये खेलते तो ग्रैंड लीग में तो आपको एजे कैप्टन ट्राई करना है हम सोचेंगे दो मैच में पांच विकेट काफी अच्छे होते हैं और दो मैच में थर्टी नाइन रन वो भी सिर्फ एक मैच में थर्टी लगा रखे तो काफी अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं बात करते हैं यहाँ पर इनके मेन बॉलर्स की तो मेन बॉलर्स में आते हैं अब्दुल रौफ अब्दुल रौफ की बात करें तो पांच मैचेस में पांचों बार बॉलिंग करके सात विकेट निकाल रखे हैं और चार बार बैटिंग करके पैंसठ रन भी है तो ठीक ठाक यहाँ पर प्लेयर है इसके बाद एस सुरेंद्रन की हम बात करें तो यहाँ पर चौंतीस मैचेस में सत्रह इन्होंने विकेट निकाल रखे हैं और तेईस बार इन्होंने सॉरी चौंतीस मैच में सत्रह मैचेस खेले हैं और तेईस बार इन्होंने बॉलिंग करी है दो सौ इकतीस रन और पच्चीस विकेट है ठीक ठाक प्लेयर है अगर आप देखें बैटिंग में भी काफी अच्छा करते हैं इसके बाद डी मॉर्गन की बात करते तो एक पावर हिटर भी है नेशनल टीम के लिए काफी मैचेस खेले हैं बट आप देखेंगे पवनदीप सिंह भी नेशनल टीम के लिए खेलते हैं डी मोर मोहन भी खेलते हैं टीम के लिए बट विकेट पवनदीप सिंह के ज्यादा है जो कि सामने वाले टीम से खेल रहे, है, वो रहे हैं वो ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे मोहन को आमतौर पर विकेट नहीं मिलती है ये बस स्पेल निकालते हैं राइट आर्म फास्ट बोलर है बट अगर आप रिसेंट मैचेस देखें इनके दो तीन उठा के तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है और विकेट भी काफी कम मिल रखी है हालांकि टीम कभी कभी इनको प्रमोट कर देती है एज एन हिटर खेल लेते हैं सो आप इनको देख लीजिएगा कम क्रेट में अवेलेबल है तो क्रेडिट के हिसाब से आठ क्रेडिट के हिसाब से तो ठीक प्लेयर ले सकते हो आप टीम में बट विकेट वगैरह ज्यादा इनको नहीं मिल रही है हालांकि देखते हैं क्लब क्रिकेट में क्या होते हैं फितरी शाम की बात करें तो ये भी नेचुरल टीम के प्लेयर है लास्ट टाइम लास्ट कुछ मैचेस इनके खास नहीं रहे बट अच्छे प्लेयर है छियालीस मैच में बासठ विकेट है इनके और तेईस मैच में तीन सो रन भी है तो आप इनको टीम में पिक कर सकते हो तो ये हो गई बात प्लेयर्स की एक बार आप चाहें तो इनका स्क्रीन वगैरह ले सकते हैं और इनको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन ऑफिशियल आप उसको डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो और इसके अलावा हम आपको डायरेक्ट टीम वगैरह टेलीग्राम पे देते हैं तो वहां पे लिंक वगैरह भी हम आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे देंगे तो यहां पर चलते हैं टीम पे तो ये दो टीम मैंने आपके लिए बना रखी है दोनों टीमों की हम बात करें तो पहली टीम जो है वो आ... नेशनल प्लेयर्स को ज़्यादा टारगेट कर रखा है इसमें मैंने एश शरीफ को कैप्टन वाइस कैप्टन ए फैज को रखा है अरुद्दीन को टीम में पिक करा किब क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेला आर व्यास को लिया है परसेंटेज इनका ज़्यादा है हालाँकि मैंने आपको बताया डी हफ़ी जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं उनके रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मोनेडी को पिक करा है इद्रिस को लिया है ए खान को लिया है ए आमिर खान और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही ए खान को मैंने टीम में पिक करा है असलम खान आमिर खान इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में पी सिंह को लिया है फितरी श्याम को और डी मॉर्गन को लिया है सो यहाँ पर ये मेरी एक टीम है और दूसरी टीम आपको एक बार और दिखा देता हूँ दूसरी टीम प्योर स्टैट्स पे बेस है यानी कि पूरी क्लब क्रिकेट रिकॉर्ड्स पे इसमें मैंने नेशनल प्लेयर्स पे उतनी आ, आ, उतना मैंने यहाँ पर उन पर जोर नहीं दिया यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड्स को ज़्यादा फोकस किया है तो ए खान जो है आमिर खान इनको कैप्टन मैंने बनाया है एम इद्रिस को वाइस कैप्टन बनाया है इसके बाद मैंने मोनेडी को टीम में पिक कर रखा है ए फैज को लिया है अरुद्दीन को लिया है हफीज़ को लिया है एस शरीफ को विकेट कीपिंग सेक्शन में लिया है बॉलिंग में देखें तो एस सुरेंद्रन पी सिंह एफ श्याम और ए रॉफ को टीम में जगह दी रॉफ काफ़ी अच्छे बॉलर हैं मौगन को मैंने टीम में पिक नहीं करा बिकॉज मॉगन के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है नेशनल टीम के प्लेयर हैं हालांकि आप पिक कर सकते हो आठ क्रेड में मिल भी रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे असलम को पिक करना चाहते हो तो फिर आपको मॉगन को लेना पड़ेगा फर्स्ट टीम में मैंने असलम को असलम खान को पिक करा जो कि दस क्रेड में अवेलेबल है ऑलराउंडर सेक्शन में तो उसके लिए मुझे फिर मौगन को लेना पड़ा तो ये मेरी अभी दो टीम्स है इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है अभी मैं कौन सी टीम से खेलने वाला हूँ सो so, वो मैं आपको बता दूंगा अभी मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह अभी ज्वाइन नहीं करें सो so, फाइनल जो टीम प्लेइंग एलेवन रिलीज़ होगी उसके बाद मैं आ, देखूंगा बैटिंग ऑर्डर वगैरह थोड़ा जज करूंगा उसके बाद आपको एक फ़ाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा अभी ये तो बस बेसिक टीम है इसको आप स्क्रीन वगैरह ले लीजिए टीम वन का भी और टीम टू का भी आप स्क्रीन ले लीजिए सो फाइनल टीम हम आपको बताएंगे टेलीग्राम चैनल पर तो वहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता रहा हूँ आपको कहाँ पर ज्वाइन करना है सो so, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसको आपको ज्वाइन करना है यहीं पर आपको फाइनल अपडेट वगैरह मिलेंगे और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको जाना है टेलीग्राम की एप्लीकेशन पे टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी फिर आपको वहाँ पर अकाउंट बना के सर्च करना है ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन ऑफिशियल यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हो चैनल लिंक है शेयर लिंक लिखा है एच डी टी पी एस टी डॉ एम ई ड्रीम इलेवन प्लेंग इलेवन ऑफिल सेम टू सेम आपको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट लिंक से आ सकते हैं या फिर ड्रीम इलेवन प्लेंग इलेवन ऑफिशल डायरेक्ट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो भी आपको हमारे चैनल मिल जाएगा जिसमें वन लैख फोर्ट्टी वन थाउजेंड के आप सब्सक्राइबर हैं जो कहीं जो वीडियो यहाँ पर करते कदम वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट करिएगा और इसके अलावा शेयर कर दीजिएगा ओके गेज बाय बेस्ट ऑफ लक